अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी रमज़ान इफ्तार स्पेशल में। तो चलिए इसको कैसे बनाया मैंने देखते हैं। तो वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो हमने डाला है लगभग 4 टेबल स्पून ऑयल और एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और अब ले लेंगे हम पत्ता गोभी या बंद गोभी, और इसको बारीक कट कर लिया है, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें और बारीक कट कर सकते हैं। और ये एक मीडियम साइज़ का गोभी था, उसको आधा मैंने ले लिया है। और अब डाल देंगे हम 2 शिमला मिर्च ले लिए मीडियम साइज़ की, इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। तो सभी चीज़ों को हम लगभग 1 मिनट फ्राई करेंगे। थोड़ी ऐसी है मेरे पास ये मटर, फ्रोजन मटर, और इसी के साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और 2 टेबल स्पून डालेंगे हम डार्क सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स घर में अवेलेबल हों आप उससे ये रेसिपी बना सकती हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसको पका लिया है। तो ये स्टफिंग रेडी हो गई है, एक बोल में निकाल लिया है। और अब लेंगे हम ये मैदा ले लेंगे, 2 टेबल स्पून ले लिए, और इसके हम एक स्लरी तैयार करेंगे, यानी इसका एक पेस्ट सा तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब ले लेंगे हम ये होममेड शीट्स, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं, रुतवा खान किचन के नाम से सर्च कीजिए, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो ये हमारी होममेड शीट्स हैं। तो अब इसके साथ इससे बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल। स्टफिंग रखेंगे, जितनी आपको अच्छी लगती है, जितनी पसंद हो उतने इसमें रख लें। और अब साइडों से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देख लीजिए मैं किस तरह कर रही हूँ। और अब इसको कवर करेंगे ये इस तरह से। अब जो सिलरी हमने बनाई थी, जो पेस्ट बनाया था, उसको लगा देंगे इसको चिपकाने के लिए। अच्छे से लगाएं, अगर अच्छे से नहीं चिपकेगा तो ऑयल में जाकर ये खुल जाएगा और फिर ऑयल इसमें अंदर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एक रोल तैयार हो गया है, ये देखिए। इसी तरह हम सभी रोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से रैप हुआ है तो ये हमारे सभी रोल बनकर तैयार हैं। तो अब इसको करेंगे हम फ्राई। तो यहाँ कढ़ाई में हमने ऑयल पहले से ही गरम करके रखा हुआ है, तो सभी इसमें ड्रॉप कर देंगे जो भी स्प्रिंग रोल बनाए हैं हमने। और अच्छे से हमें हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक सेकना है। तो ये देखिए अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे। तो बाकी के जो बैच है उसको भी सेक लेंगे इसी तरह। तो यहाँ हमारे सभी स्प्रिंग रोल्स सिक कर तैयार हो गए हैं, ये देखिए। तो मैं एक आपको कट कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।